हेलो स्टूडेंट्स। तो यार एंड मोमेंट आ चुका है। अभी ऑलमोस्ट सारे के सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अब बात चल रही है ओपन काउंसलिंग की, तो आज अपन बात कर लेते हैं यार ओपन काउंसलिंग के बारे में। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का एक एक ओपन काउंसलिंग का राउंड हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, स्पॉट एडमिशन का एक एक राउंड जा चुका है, अब कोई राउंड नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अपन चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है, इसका एटलीस्ट कल जो है स्पोर्ट राउंड यानी कि ओपन काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड आ चुका है। कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट के अंदर है, तो हो सकता है सेकेंड राउंड भी आए। अब बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी है कि भैया ये दो ही राउंड होंगे क्या, उसके बाद क्या कोई राउंड नहीं होने वाला। ठीक है, तो यार ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब अपन बात करते हैं ओपन काउंसलिंग राउंड की। ठीक है, नॉर्मली जो राउंड होने वाले थे ये हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि यह फर्स्ट राउंड की कल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, देन उसके बाद एक सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट आप मान सकते हो नॉर्मली। देन उसके बाद क्या होगा, तो यार अपने आप को अब इस वेबसाइट पर रजिस्टर करके रखो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास ऑलमोस्ट सारी सीटें बच के रहती हैं, तो वो आपको मेल डालेंगे या फिर प्रोफेसर आपको सुबह कॉल करेंगे कि भैया आज 10 बजे मीटिंग है। ठीक है, और वेबसाइट पे एक मीटिंग भी आपको दे सकते हैं ये लोग। ठीक है, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे एडमिशन हुए थे, कॉल भी आए थे बहुत सारे बच्चों को कि सीट्स बची हुई हैं जिनके ठीक ठाक नंबर होते हैं, आप ले सकते हो। स्पेशली प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एंड बीटेक सिविल इंजीनियरिंग एंड अदर अदर जो भी आप कोर्सेज के अंदर सीट वैकेंट रहती है। तो यार बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ था कि गूगल फॉर्म फिल करना हुआ था। ठीक है, ये जो सर्वर वर्वर ये जो है ना, ये smart.edu, बाद में ये सारे फेल हो जाते हैं। गूगल फॉर्म के अंदर आपको लिस्ट जारी की जाती है कि इन इन बच्चों का एडमिशन हो चुका है। उनके पास मतलब फीस जमा करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, एटलीस्ट 1 दिन का या आधे दिन का ऐसे टाइम दिया जाता है। आपको बैंक के अंदर जो भी उनकी फीस होती है 60,000, 65,000, 50,000, 10,000, 20,000, ठीक है, तो आपको बैंक अकाउंट के अंदर सबमिट करके इनके पास रिसिप्ट सेंड कर देना होता है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो यार ये सिस्टम चल रहा है। अब अपन चलते हैं आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से। यहाँ पे जो 5 राउंड आ चुके हैं, ओके, देन उसके बाद देखते हैं स्पोर्ट राउंड आता है या 6 राउंड आता है कुछ, तो वेबसाइट पे विजिट करते रहें या फिर आप इसका शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि इसका क्या क्या शेड्यूल है और कब अलॉटमेंट आएगा, कब नहीं आएगा, सारा का सारा अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की अगर मैं बात करें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आप एडमिशन पेज पे जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन, ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड कट ऑफ भी आ चुका है आई थिंक, ओके, देन आप जस्ट ओके देन देख सकते हैं आप प्रोविजनल एडमिटेड फर्स्ट राउंड स्टूडेंट्स, ओके, देन इसके बाद अभी तो ये एटलीस्ट स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो स्पोर्ट अभी इसमें नहीं होने वाला, तो टाइम लगेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में यार स्पोर्ट राउंड चल रहा है, ओके, देन उसने यार एक नोटिस रिलीज किया था कि जनरल कैटेगरी वाले और EWS वाले जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 142 या प्लस है, ठीक है, वो दिन हो गए नोटिस, वो ही अप्लाई करें, ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं MSc का नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट का काउंसलिंग का ओपन काउंसलिंग का आ चुका है, ओके, देन ओपन काउंसलिंग नोटिफिकेशन जस्ट लाइक MSc इन जियोलॉजी, MSc इन लाइफ साइंस, MSc इन मैथमेटिक्स, अदर अदर जो भी कोर्सेस हैं, ओके, देन आप जस्ट ये जो वेबसाइट दे रखा है CUCT का, आप इस पे जाके डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो यार इसमें भी स्पोर्ट राउंड होते हैं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट राउंड होते हैं। बहुत सारे बच्चे थक चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन ले चुके हैं ऑलमोस्ट बच्चे, ओके, और सीटें लेफ्ट कर रहे हैं बच्चे, सीटें अभी खाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, एडमिशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम है यार, बहुत ही कम है, जोसा में कुछ नहीं मिल पा रहा है, CSAB में कुछ कुछ चांसेस नहीं है, लाखों में रैंक है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो यार कुछ जोसा CSAB में कुछ नहीं मिलेगा, CUCT में अच्छे स्कोर नहीं है, ओके, तो यार वो बच्चे तो जस्ट वही कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा 11 रुपए का गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है, जिसके अंदर हम एटलीस्ट जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज आपको रिकमेंडेड करते हैं, भैया इसके अंदर ये सीट है, ये हमारा टीचर है इस कॉलेज के अंदर, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके लिए हम कोई ज़्यादा रुपये नहीं लेते यार, 11 रुपये का प्रसाद चटाना होता है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे आए तो मैं 51 रुपये भी कर दूं, ठीक है, 51 रुपये का आपको प्रसाद चढ़ाना होता है और यार 51 रुपये के अंदर एडमिशन हो जाता है ऑलमोस्ट, तो यार 51 रुपये का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट गूगल फॉर्म दिया गया, उसके अंदर 51 रुपये का QR कोड है या फिर 51 रुपये का पेमेंट गेटवे भी दिया गया, आप कैसे भी करके 51 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर फर्स्ट राउंड के बाद कुछ सीटें वेकेंट रही है, तो इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड बायोकेमिस्ट्री 18, 20, 22, 23, जैसे कि आप देख सकते हैं सीटें ऑलमोस्ट बची हुई है। ओके, तो ट्राई कर लो यार। जैसे बीटेक वगैरह तो जोसा सीट दे रहा है इस बार, ओके, सीयू सीटी के थ्रू नहीं दे रहा, पिछले साल सीयू सीटी के थ्रू दे रहा था, इस बार पूरे के पूरे बीटेक प्रोग्राम जोसा के थ्रू दे रहा है। तो उसके लिए आप जीएफटीआई जोसा में टारगेट करना पड़ेगा, और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में लेना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सीयू सीटी के बेसिस पे दे रहा है बीटेक प्रोग्राम। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे रहा है सीयू सीटी के थ्रू। देन राजस्थान पंजाब की अगर मैं अपन बात करते हैं तो पंजाब में चलते हैं यार, कट ऑफ इसके राजस्थान से हाई गए हैं, वैसे राजस्थान से लो कॉलेज है। टॉप ऑफ ब्रांडिंग अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ब्रांड नंबर पे आता है। देन उसके बाद पंजाब है, हरियाणा है। हरियाणा की यार लोकेशन बहुत बेटर है, दिल्ली के पास में है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कि यार नया कॉलेज था, इतना ज्यादा डेवलप हो गया, इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। हरियाणा वैसे यार अच्छा लोकेशन है, अच्छी पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और अगर वैसे ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर मन बात करें तो जो ग्रोइंग पे चल रहा है, हमेशा जो बढ़ता ही रहता है ना, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ही है, ठीक है। तो और मतलब बढ़ते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ते जितना हरियाणा बढ़ रहा है। यार केरला की सबसे पहले स्टार्ट हुई थी काउंसलिंग, तो केरला पे चलते हैं। ओके, और यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बना सकूं, तो ये मैं वीडियो सारी के सारी यूनिवर्सिटी पे ही बना रहा हूँ अभी एक साथ, और इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एटलीस्ट मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता, ठीक है। मैं जस्ट 2 से 1-2 घंटे के अंदर ही ऑलमोस्ट बच्चों को रिप्लाई मिल जाता है, और कभी कभी बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई मिलता भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई डिमांड वाली ट्रैफिक आ जाता है, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करते हैं, कि नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी नोटिफिकेशन वगैरह डाल देते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो यार ओपन काउंसलिंग के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ बोलती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें, आई हाईली रिकमेंडेड फॉर यू पार्टिसिपेट इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ओपन काउंसलिंग टेस्ट। तो यार जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं सभी की ओपन काउंसलिंग प्रोग्राम। यार सीयू केरला की तरफ से जो है आप देख सकते हैं फाइनल रैंक लिस्ट रिलीज की गई है, एंड ओपन काउंसलिंग जो है ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ सारी के सारी ओपन काउंसलिंग कंडक्ट करेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई नहीं किया है, हाँ आपको जो उसकी जो फीस लगती है वो देनी पड़ेगी। और जैसे केरला कर्नाटका वगैरह तो फीस भी नहीं ली है, हरियाणा ने फीस ली है, पंजाब ने भी नहीं ली है, राजस्थान ने फीस ली है, राजस्थान ने सबसे ज्यादा ली है 1,000, क्योंकि वो चाहती थी कि मतलब ट्रैफिक कम आए, ठीक है, और कम से कम बच्चे अप्लाई करें, ठीक है, वो ज़्यादा हाई क्वालिटी ट्रैफिक ना आए, तो इन लोगों ने 1,000 रखा। हरियाणा हर बार 300 रखता है, बहुत अच्छा, ठीक है, हरियाणा बहुत अच्छा हो तुम। ओके स्टूडेंट, पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन अभी आ रही है, ओपन काउंसलिंग की आई नहीं है, और देख लेते हैं यूनिवर्सिटियाँ। अभी एक वेबसाइट है cuct.nta.nic.in, इस वेबसाइट पे आई जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ सबकी वेबसाइट पर रोज विजिट करें, देखें कि किसकी कितनी काउंसलिंग हो चुकी है, कितनी सीटें वेकेंट है, ओके, मेरे मार्क्स क्या है, और ओपन काउंसलिंग जिसकी भी हो सभी के अंदर अप्लाई करो। अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो अच्छे मार्क्स है सभी के अंदर अप्लाई करो, 50 से ज्यादा अगर आपके नंबर हैं तो सभी यूनिवर्सिटियों के ओपन काउंसलिंग होती है, चुटकी के साथ रजिस्टर कर दो अपने आप को, 50 से ज्यादा अगर आपके नंबर हैं अप्लाई कर दो, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ये अपना एक्सपीरियंस है, पिछले साल की अगर अपन बात करें तो यार 0-0 मार्क्स पे एडमिशन हुए हैं, 1 नंबर पे एडमिशन हुआ है, माइनस के अंदर भी एडमिशन हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत तो नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटी नहीं गई वेबसाइट पे आए, रोज विजिट करें, किसका ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, जिसका भी स्टार्ट हो रहा है सभी में रजिस्टर करो अपने आप। अगर तुम्हें अभी तक सीट नहीं मिली है, जिसका भी स्टार्ट हो रहा है ओपन काउंसलिंग, सभी में अपने आप को रजिस्टर जरूर करें, जिनको अगर सीट चाहिए तो। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि एंड मोमेंट पे टीचर लोग भी अगर सीट बचती है तो ये बच्चे ने अप्लाई करेगा, कॉल भी कर सकते हैं आपको, ईमेल भी कर सकते हैं कि बच्चे जस्ट जो है आज गूगल मीट पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा भी बहुत बार हुआ आपको गूगल मीट पे ज्वाइन करना होता है, गूगल मीट के कमेंट बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिलता है, उसके अंदर आपको जस्ट अप्लाई करना होता है, मैं इस यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता हूँ, और आपका उसमें हो जाता है आसानी से। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जो है कंप्यूटर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीयू हरियाणा में सीट्स वेकेंट है, उसमें भी आप